Assalamu alaikum guys, I hope you will be safe and sound. Today's main topic is tenses. Firstly students, I'll tell you about what are tenses. What is meant by tense? Tense basically are the rules of grammar which show us when the work has done. Basically we can say that tenses show the time. Matlab waqt ko batate hain ki kab koi kaam kiya gaya hai. Here I have written already one example. Main likh rahi hoon. According to the rules of grammar, I have written here the translation of this sentence. Okay, I am writing. Rahi hu show kar raha hai present state ko. Matlab ye kaam abhi jari hai, continue hai. Theek hai? To isliye hum keh sakte hain ki tenses jo hain, wo time ko batate hain. Tenses basically all the rules of grammar which show us the time of the work. Acha ji, yahan pe ab dusri jo baat yahan hum clear karenge wo ye hai ki काम जो है, काम मेरा क्या है, वर्क क्या है, मेरा एक्शन वर्ब का क्या है, यहाँ पे लिखना, लिखना क्या है, वो काम हो रहा है सेंटेंस में, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो टेंसेस हैं वो टाइम के साथ साथ और क्या बताते हैं, वर्क बताते हैं. मतलब टेंसेस आर द रूल्स ऑफ ग्रामर विच टेल अस अबाउट द टाइम एंड द वर्क. और वर्क के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि काम कितना हो चुका है, कितना हुआ है, हो रहा है या मुकम्मल हो गया है. ठीक है. अच्छा जी, अब हमारी दूसरी जो यहाँ पे बात है वो ये है कि बेसिकली जब किसी से पूछा जाता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेज, मोस्टली जो लोग होते हैं वो क्या कह देते हैं, बेसिकली देयर आर 12 टेंसेज. सो गाइज, दिस आंसर इज़ रॉन्ग. बेसिकली देयर आर जस्ट 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज. कैसे, अगर हम कहें कि जी 3 हालतें हैं वक्त की, क्या है 3, सबको पता है, लॉजिकली बात है ये कि वो 3 हैं. वो कौन कौन सी हैं, प्रेजेंट है, ठीक है, जो चल रहा है काम, मतलब हम इसमें कर रहे हैं, जो हम मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये क्या है, ये प्रेजेंट है. एक है जी पास्ट, जो गुजर चुका है, द वर्क दैट विच वी हैव डन इन स्पेसिफिक टाइम विच हैज़ पास्ट, जो कि गुजर चुका है, कोई भी वक्त जिसमें हमने कोई भी काम कर लिया है. अच्छा, तीसरी स्टेट क्या है टाइम की, वो है फ्यूचर. ठीक है, बेसिकली ये जो आंसर आप देते हैं ना मोस्टली लोग के, बेसिकली देयर आर 12 टेंसेस टाइप. No, sorry, this is wrong. Basically, there are just 3 types of tenses, present, past and future. ठीक है, आगे हम कहेंगे कि every type has further extended branches. तो वो कितनी extended branches हैं, वो हर tense की further 4 branches हैं. ठीक है. अच्छा जी, हमने ये categorize कर लिया कि जी types कितनी हैं time की, वो 3 हैं. ठीक है, आगे उस वो कौन कौन सी हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है. ठीक है, आगे इन इन्हीं को लेके हम इनको 3 टाइप्स में, आगे 4 टाइप्स में डिवाइड करेंगे. अब वो कौन कौन सी हैं, अच्छा अब काम के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो एक काम होता है जो कि हम कहें कि उसके बारे में वो चल रहा है, तो वो क्या हो गया, कंटीन्यूअस, वो काम जो कि मुकम्मल हो चुका है. ठीक है, द वर्क विच हैज़ कम्प्लीटेड, विच हैज़ डन, वी कैन से डैट परफेक्ट. मतलब अगर कोई चीज़ फ्लॉलेस हम देखते हैं, हम कह देते हैं दिस इज़ परफेक्ट, मतलब उसमें कोई मतलब ये बात नहीं रहती कि इसका कुछ इसमें कोई कमी है, कोई खामी है, मतलब हर लिहाज से वो चीज़ परफेक्ट हो जाती है. अब तीसरा क्या होगा, तीसरी टाइप क्या होगी, इनडेफिनेट. इनडेफिनेट आपको पता है कि डेफिनेट का ये ऑपोजिट है. डेफिनेट क्या है कि आई विल डू इट डेफिनेटली, मतलब हर हाल में ये काम करूँगा. इनडेफिनेट क्या है, अगर हम टेंसेस के अकॉर्डिंग उसको देखें तो वो कि मतलब जो हमें जिस इस स्टेट में जो काम किया जाए उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि वो काम मुकम्मल हो चुका है या अभी हो रहा है. ठीक है, अब फोर्थ वाली जो काइंड है वो आगे है, परफेक्ट कंटीन्यूअस. बेसिकली हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, इसमें काम जो है वो माजी में शुरू हुआ है लेकिन कंटिन्यू फॉर्म में, स्टिल फॉर्म में अभी तक ये काम जारी है. ठीक है, अब टाइप्स हो गई 3 बेसिकली टेंसेस की. आगे हर टाइप की फर्दर 4 एक्सटेंडेड ब्रांचेज हैं. ठीक है, जैसे प्रेजेंट में है कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, इंडेफिनेट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसी तरह पास्ट में सेम जाएगा, कंटीन्यूअस चला जाएगा. ठीक है, आगे परफेक्ट चला जाएगा, इनडेफिनेट चला जाएगा और परफेक्ट कंटीन्यूअस चला जाएगा. ठीक है, लॉजिकल बात है कि इसमें भी सेम वही ये हो जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इनडेफिनेट टेंस एंड पार्ट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस. सेम थिंग विल हैपन इन फ्यूचर, नेम वही जाएंगे लेकिन उनका जो सर नेम है वो चेंज होता जाएगा.
ठीक है, मतलब फ्यूचर इनडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर इनडेफिनेट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपने ये बहुत कम पढ़ा होगा कि बेसिकली जो टाइप्स हैं फर्दर उसकी प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर की, वो किस तरह बनी है। ठीक है, ये कोई इस तरह नहीं हम कह सकते कि ये इंग्लिश जो है वो सेकंड लैंग्वेज है, उसको हमने एज इट इज़ अडॉप्ट करना, ऑब्वियसली करना है अडॉप्ट, लेकिन हर चीज़ को एक लॉजिकल मैनर के साथ आगे लेके जाना है। Guys, I hope that the introduction of tenses is clear now, and now you will give the answer of that question, how many types of tenses, okay? There are basically just three types of tenses, present, past and future, and each type of tense has further extended four branches. Okay, guys, kindly now subscribe my channel and press the bell icon. We will meet in next video, and give me comments as well if you like my videos, and I need your appreciation. Till then, Allah Hafiz, and we will meet in next video.